माँ गंगा सेवा समिति द्वारा वाराणसी में 500 करोड़ पौधा लगाने के कार्यक्रम के तहत पर्यावरण को लेकर बाइक यात्रा कर रहे हैं, जो कि वाराणसी से चलकर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान होते हुए गुजरात और फिर उसके बाद भोपाल, उसके बाद फिर वाराणसी के लिए आगमन करेंगे और ये यात्रा 5000 किलोमीटर की यात्रा होगी। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच जाकर बात कर सके और उनसे जुड़ सके, ताकि इस अभियान को पूर्ण रूप से समझ सके कि भारत नदी अभियान क्यों जरूरी है, नदियों को बचाना आखिर क्यों जरूरी है। खासकर हर तरह के लोग जो गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, हर लोगों से मिलने का मौका चाहिए। इसलिए इस यात्रा का जो सबसे बड़ा माध्यम है कि हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाए और इससे भारत के गांव जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में के न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, जहां लोगों से कार्यक्रम के बारे में बात किया। इस दौरान ड्राइप ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन विजेंद्र कुमार मिश्रा से बातचीत की। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर बोला कि जो कदम उठाए हैं सराहनीय कदम है और ये पूरी जनता की समस्या है। कार्यक्रम बहुत सराहनीय है, जो इन्होंने कदम उठाए हैं, पूरी जनता की समस्या है कि आज के डेट में पूरी नदी जो है बंद होते जा रही है। प्रत्यक्ष के रूप में यहाँ पर ही देखा गया कि बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी 80 से ही, और काशी का एक बहुत बड़ा महत्व था 80 से ही जुड़ा हुआ था, जो आज 80 नदी फिलहाल विलुप्त हो गई है। तो उसके लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है, हम इनके साथ हैं और हर तरह से इनके साथ हम सहयोग कर रहे हैं। बहुत छोटा लक्ष्य रखे, बहुत बड़ी लक्ष्य नहीं है। मैं 14 राज्यों में कार्यरत हूँ, उत्तर प्रदेश के अलावा 14 राज्यों में कार्य कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से, अपनी एयरलाइंस के माध्यम से। तो हमारे करीब करीब 14,000 तो स्टाफ हैं, अगर एक एक पेड़ लोग लगाए तो हम लोग को 8 दिन के टारगेट है उतना पेड़ लग जाएंगे। और हम प्रयास करेंगे जितने भी हमारे संपर्क से जुड़े हुए हैं, सब लोग रोज एक ऐसा एक वृक्ष लगाए। तो ऐतिहासिक